हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड इन हिंदी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से आप प्रगतिशील बन सकते हैं, किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं और आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो जाके वीडियो पहले देख लें। और इसी तरह से मैंने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से रिलेटेड 5 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और आज ये 6ठा वीडियो है और इसके बाद भी नेक्स्ट 6 वीडियो आने वाले हैं आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से रिलेटेड। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने और पाने के लिए। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ग्रेटिट्यूड से इस तरफ क्यों शिफ्ट कर गया, तो दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत होगा कि मैंने ग्रेटिट्यूड से यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिया। हमारा मेन मोटिव ही है कृतज्ञता, और इसके साथ साथ कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो हमारे हम सब के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कृतज्ञता नहीं है दोस्तों, तो जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब धड़े के धड़े रह जाएंगे, कोई फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है। लेकिन कृतज्ञता के साथ साथ और भी जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है, और भी हमारे जीवन में जो चीज़ हमारे जीवन को कंप्लीट करती है, हमारे जीवन को पूर्ण बनाती है, सारे चीज़ों को भी मैंने अपने वीडियोस में इंक्लूड करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी तरह से मैंने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को चुना क्योंकि मैं भी ये फील करता हूं कि हमारे अंदर कृतज्ञता, बहुत सारे लोगों के अंदर कृतज्ञता तो होती है, ग्रेटफुल तो वो होते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो खुद को जान ही नहीं पाते कि एक्चुअल में वो हैं क्या, उनके अंदर कितनी बड़ी शक्ति निहित है। तो ये समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्सी की बुक को रेफर किया ताकि आप लोगों को उनके एक एक वर्ड के थ्रू से, वर्ड के माध्यम से आप लोगों तक अच्छा मैसेज और एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचा सकूँ, ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। और हमारा चैनल का मेन मोटिव ही है ग्रेटिट्यूड और उससे जुड़े तमाम टॉपिक्स को कवर करना। दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। और अभी मेरे अभी जो सीरीज चल रहा है वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का चल रहा है, ऐसे नेक्स्ट और आने वाले हैं इसके रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। दोस्तों, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग माइंडफुलनेस से रिलेटेड और भी जो जो टॉपिक्स हैं उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा असरदार टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर लेते हैं, जिसका अभ्यास हम लोग हर वीडियो में करते हैं। और इस अभ्यास को दोस्तों अभी तक लिमिट नहीं रखें, क्योंकि इसके फायदे आप जैसे उठा सकते हैं, आपके साथ साथ जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी इसके फायदे उठा सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के साथ भी शेयर करें, उन लोगों को भी बताएं कि ग्रेटिट्यूड कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में, हमारे हर एस्पेक्ट के लिए, हमारे हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना कितना ज़रूरी है। और ये चीज़ों को फैलाएं, ग्रेटिट्यूड को फैलाएं, जितना हो सके ग्रेटिट्यूड को फैलाएं दोस्तों, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जितना आप ग्रेटिट्यूड को फैलाओगे उसके मतलब ही है आप उतना ज़्यादा हैप्पीनेस को फैला रहे हैं, उतना ज़्यादा पीस को फैला रहे हैं, उतना ज़्यादा आप हारमोनी को फैला रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब अगर हमारे जीवन में सही मायनों में आ जाता है दोस्तों, तो हमारी हर चीज़ें और बेहतर और अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए चलिए ऐसे 3 चीज़ों के नाम लिख लेते हैं जिसके लिए आज हम ग्रेटफुल हैं। तो सबसे पहले मैं खुद से शुरुआत करता हूँ। सो टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ एंड वेलनेस, टुडे आई एम थैंकफुल फॉर माई इनर पीस एंड नॉलेज, टुडे आई एम थैंकफुल फॉर माई यूट्यूब फैमिलीज विच इंक्रीजिंगली डे बाई डे। सो ऐसे 3 चीज़ों के नाम आप भी लिखें दोस्तों जिसके लिए आप आज ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखें, जो लैंग्वेज आपके लिए प्रेफरेबल है उसी को आप चूज़ करें ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने के लिए। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मैंने इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग क्या बताएं, बता नहीं सकते। आज हम लोग डॉक्टर जोसेफ मर्सी की बुक से अध्याय 6 में से जानेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, ठीक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कि मैं कुछ दिन पहले संदीप सर का एक वीडियो देख रहा था जिसमें सेम चीज़ ही संदीप सर ने भी रेफर किया है, जो चीज़ आज मैं इसमें पढ़ने वाला हूँ। ऐसे लाइफ में हमारे और आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा, हमने ऐसा मोमेंट फेस किया होगा कि हमें रिग्रेट होती है कुछ डिसीजंस के लिए, कुछ सिचुएशंस के लिए, कुछ ऐसे मोमेंट्स के लिए जो हमारे लाइफ में होती हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों नहीं मैंने वैसा किया, क्यों मैंने ऐसा किया, अगर मैं वैसा करता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, मैंने ऐसा किया इस वजह से ये हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम लोग अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ें बदल जाएं, वो चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन उन्हें हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह के परेशानियों में
गोल गोल घूम रहे होंगे, अपने सोच अपने माइंड में इसी चीज़ को लेकर बार बार सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें। दोस्तों इसी का सलूशन संदीप सर ने अपने एक वीडियो में भी बताया है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज डॉक्टर जोसेफ मर्सी जो हैं वो भी अपने इस चैप्टर में यही बात बता रहे हैं अपने ढंग से। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्सी क्या कहते हैं। बड़े ध्यान से समझें दोस्तों, क्योंकि उनके लिखी गई हर एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होती है हर वर्ड्स की, तो इसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं और इस तरह से अपने खुद के भविष्य को बदल सकते हैं आकार दे सकते हैं और सृजन कर सकते हैं। चाहे आपको पता हो या नहीं, आपके विचार और भावनाएं आपकी तकदीर बनाती है। जब भी किसी स्थिति पर निर्णय के बारे में आपको शंका हो तो शांति की प्रार्थना करें। यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रार्थना के बारे में कहा है, जो प्रार्थना सेम एज संदीप सेन ने भी अपने उस वीडियो में रेफर किया था उस स्टूडेंट को जिन्होंने ये सवाल किया था कि उन्होंने उनकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड। संदीप सेन ने भी यही प्रेयर को अपने उस सेशन में रेफर किया था, जो प्रेयर आज डॉक्टर जोसेफ मर्सी अपने इस चैप्टर में आए। तो दोस्तों ये प्रेयर जो है ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। इस प्रेयर का नाम है द सेरेनिटी प्रेयर। यहाँ पर मैं थोड़ा देर पॉज करके मैं संदीप सर का कुछ बात आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जो उन्होंने उस वीडियो में कहा था कि आपके जीवन में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आपको सिर्फ 7 दिनों के लिए इस प्रेयर को रोजाना पढ़ना है, या इस प्रेयर को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि इस प्रेयर को सर्च करें कि द सेरेनिटी प्रेयर, या फिर मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने इस प्रेयर को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही लिख कर रख दिया है आप लोगों के लिए, और PDF वर्जन भी मैंने अपलोड कर दिया है वहां पे। आप वहां से जाके इजीली उसे डाउनलोड करके आप प्रिंटआउट ले लें। प्रिंटआउट लेने के बाद उसे अपने किसी डेस्क के सामने या किसी ऐसे जगह पर उसे लगा दें जहां पे आप रोज़ाना उठकर सवेरे उसे पढ़ सकें। इस तरह से आपको 7 दिनों तक रोज़ाना इस प्रेयर को करना है, और आप देखेंगे सिर्फ 7 दिनों के बाद आपके अंदर एक अद्भुत सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो सर मैंने इस प्रेयर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, इसका फ़ायदा बहुत 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 ज़्यादा है दोस्तों। तो आप भी इस प्रेयर को ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो प्रेयर में क्या कहा जाता है मैं अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ठीक है। ईश्वर मुझे उन चीज़ों को बदलने की साहस दो जिन्हें बदला जा सकता है, उन चीज़ों को स्वीकार की शांति दो जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और फर्क पहचानने की बुद्धि दो। अक्सर ऐसा होता है ना दोस्तों कि जो चीज़ें हम बदल नहीं सकते वही चीज़ों को हम बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, और वो हमारी स्ट्रेस की हमारी टेंशन की रीज़न बन जाती है। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ पर हैं, जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, उस चीज़ों को हम लोग चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। उन चीज़ों के हम ऊपर हमारी ध्यान ही नहीं जाती, फोकस ही नहीं जाती। हमारा तो सारा फोकस उन्हीं चीज़ों पर लगा हुआ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हम उसे नियंत्रण नहीं कर सकते, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, और इस वजह से हम अपने माइंड को ख़राब कर बैठते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चले जाया करते हैं। तो ऐसा नहीं करें दोस्तों। जीवन में आपका काम ईश्वर के प्रेम तथा ईश्वर के शांति के जागरूकता में चलना है। इस तरह चलने पर पूरे संसार के प्रति शांति, प्रेम और सद्भाव की मनोदशा उत्पन्न हो जाएगी। ये आध्यात्मिक कंपन सामूहिक मन या प्रजातीय मन के डर, नफरत, ईर्ष्या और लोभ की हानिकारक आदतों को कम कर देगा। अपने भीतर दुख, पीड़ा, शत्रुता और डिप्रेशन के मानसिक विष पॉइजन उत्पन्न करने और ये हानिकारक मानसिक गंदगी सामूहिक मन में भरने में क्या समझदारी है जो पहले ही पर्याप्त दूषित है। आपको दूसरों को ये अनुमति नहीं देना चाहिए कि वे स्वार्थपर उद्देश्यों से आपके मन में गलत चीज़ें भर दें। जीवन में आपका उद्देश्य ईश्वर के प्रेम की
चेतना में चलना है, ये जानते हुए कि अगर आपकी निगाह ईश्वर पर जमी रही तो आपकी राह में कोई बुराई नहीं आ सकती। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, यहाँ पे आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो अपने राय हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और आज है सैटरडे, जैसे मैंने कहा था कि आज मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा, जिसमें आप लोगों का दिए गए कमेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कृतज्ञता को फैलाते रहें। बात जय हिंद।